देखिए टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाम से लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि स्टैटिक अवस्था में मतलब रुके हुए हैं और उनके बीच में कुछ एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का कांसेप्ट समझ लीजिएगा। हमने बताया था कि दो बॉडीज एक दूसरे पे दो तरीके फोर्स लगाती है, या तो अट्रैक्शन का लगाती है या तो रिपल्शन का लगाती है। हमने कहा अगर अट्रैक्शन का लगाती है तो नियंता दोनों को चिपक जाना चाहिए, पास मतलब चिपक जाना चाहिए, ठीक है। और दोनों रिपल्शन लगाती है तो इन्फिनिटी चल जाना चाहिए। अगर वो ना तो चिपक रही है ना तो इन्फिनिटी में जा रही है, थोड़ी दूरी पे रखी हुई है, मतलब क्या हुआ? जैसे अब कोई आप थोड़ी दूर पे है, आपको धक्का मार रहा है, कोई धक्का मार रहा है और आप अपनी जगह पे हैं, तो आप कैसे रुक पाएंगे? अपने आप को रोकना पड़ेगा ना, ऐसा करेंगे ना, कुछ नहीं हटेंगे, गिरा जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आपको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, ठीक है। या पकड़ा खींचा जा रहा है, इधर आओ, अब इधर आओ तो प्यार मोहब्बत वाला खिंचाव नहीं है, तो ऐसे बाल पकड़ घसीट रहे, इधर आओ, ठीक है। अब नहीं घसीट रहे मतलब आपको अपनी पोजिशन मेंटेन करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है ना, वही वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक के केस में, चार्जेस के केस में वो वर्क कराता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए डेफिनेशन क्या है, अगर दो चार्जेस इन्फिनिटी में रखे हुए हैं और उनको इनफाइनाइट से थोड़ी दूरी पर ला करके एक सिस्टम फॉर्म किया जाए, ठीक है, तो उस सिस्टम फॉर्म करने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी इन वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी, देख सकते हो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस टू फॉर्म अ सिस्टम देन वर्क हैज टू बी डन This work is stored in the form of energy called electrostatic potential energy, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इसको दो तरीके से हम लगा सकते हैं। आपको याद होगा इसके पहले वाले टॉपिक में हमने कल प्रूफ कराया था, क्या प्रूफ था वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम एक इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेके आए थे और वर्क डन निकाला, तो वो भी प्रोसेस हम लगा सकते हैं, वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा लेंदी प्रूफ होगा, तो हम ऐसे प्रूफ क्यों करें? अब हमने कहा दो चार्जेज इन्फिनिटी में है, अब सब दोनों को अगर इन्फिनिटी में रख दोगे, दोनों को इन्फिनिटी रख दोगे तो दिक्कत होगी। तो हमने क्या किया, एक चार्ज को कहां रखा? ए पॉइंट पर, प्लस क्यू वन, ठीक है। और दूसरा चार्ज कहां पर है? इन्फिनिटी में, ठीक है। तो दूसरे चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे और कहां पर रखेंगे आकर के? बी पॉइंट पर रखेंगे आकर, ठीक है। और यहां से यहां तक लाने आने में हम वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। पहली बात तो पहला वाला चार्ज अपने चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस क्यू वन, यानी प्लस क्यू वन की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल ड्यू टू वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल कितना होगा? वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन अपॉन आर, ये पोटेंशियल है, जरा ध्यान से सुन लीजिए पहले। अब दूसरा चार्ज कहां पर था? यहां इन्फिनिटी में था, उसको वहां से खींच के लाए और आपने यहां पर आकर के रख दिया, तो इस पोटेंशियल की वजह से आपको वहां पर वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन, ये हिंदी में लिखेंगे ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू टू, द चार्ज क्यू टू कहां से कहां तक? फ्रॉम
इन्फिनिटी टू वी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू टू इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू वी, तो वहां पर वी आपको मालूम है, निकाल चुके हैं आप, और आप जो चार्ज को लेके आए वो है क्यू टू, तो वर्क कितना किया आपने क्यू टू इंटू वी, वी का मान रख दो तो आएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर, यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, एक कोई भी किया गया वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, तो सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान, ये फॉर्मूला याद करिए, एक जैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसलिए बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब आगे तक इस्तेमाल होने वाले हैं लोग के लिए इसको। अब देखिए अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो यहां से यहां तक आने में उसको वर्क ऑब्टेन होता, क्योंकि यहां फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्शन का लगता है, तो यहां पर जैसा चार्ज हो उसका वैसा ही साइन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लिया पॉइंट ग्रुप ऑफ चार्जेस होते तब क्या होता, बहुत सारे चार्ज होते, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस मतलब बल्क में बहुत सारे चार्जेस हैं, हिंदी में क्या इसको कहा जाएगा, बहुत सारे आवेशों के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस। देखो जैसे मान लिया ग्रुप में हम बहुत सारे चार्ज नहीं रखेंगे, दो तीन चार्ज रख के बताएंगे, मान लिया एक चार्ज यहां पर रखा आपने, एक चार्ज यहां पर रखा आपने, एक चार्ज यहां पर रखा, इस प्रकार से तीन चार्ज रख दिए, ठीक है, ये मान लिया आपने प्लस क्यू वन लिखा है, ये माइनस का क्यू टू है, ये प्लस का क्यू थ्री है, ये डिस्टेंस आर वन है, ये डिस्टेंस आर टू है, डिस्टेंस आर थ्री है। अगर हम इस चार्ज को यहां रखें और इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए यहां पर, तो ये इनको भी देख रहा होगा और इसको भी देख रहा होगा, ये भी भाई साहब इस पे फोर्स लगा रहे होंगे और ये भाई साहब भी लगा रहे होंगे, तो इसको इसकी वजह से भी वर्क करना पड़ रहा होगा और इसकी वजह से भी करना पड़ रहा होगा, ठीक है, तो अगर हम यहां पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसके इसके बीच क्या होगा, क्यू वन इंटू माइनस क्यू टू अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर वन, ठीक, इसके इसके बीच लिखेंगे तो प्लस क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर थ्री, इसके इसके भी लिखेंगे माइनस क्यू टू इंटू क्यू थ्री अपॉन आर हो गया, बहुत सारे होंगे चार्जेस उसका लिखेंगे, यानी यहां पर आपको डायरेक्शन नहीं देखनी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था कि प्लस से दूर माइनस की ओर ले लीजिए, यहां ऐसा नहीं करना है, आपको चार्ज का साइन लेना है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन प्लस क्यू वन, एक मिनट, ये क्यू वन क्यू थ्री है ना, ये क्यू थ्री है, क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर थ्री माइनस क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू, इस प्रकार से हम बहुत सारे अगर चार्जेस हो तो उनकी एनर्जी हम लिख सकते हैं। देखिए वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब फोर्स हम लगाते हैं तो बॉडी लीनियर डिस्प्लेस हो गई, हमने यहां बात की है रोटेशन की बात की, तो रोटेशन समय जो 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 फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, जब टॉर्क हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोणीय विस्थापन हो जाएगा ना, ठीक है, तो कह रहे मान लिया डायग्राम की जरूरत है नहीं, देखिए मान लिया कि ये एक एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एक डायपोल रखा हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच दूरी कितनी है 2L, ठीक है, ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, तो आप जानते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए रखता है रखा जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, इस चार्जेस को घुमा करके अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी ये इसको रोटेट करने की कोशिश करता है, तो इस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, बड़ा घूम लगेगा, कितना होता है बड़ा घूम, तो टॉर्क कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो आप लिखेंगे कि टॉर्क एक्टिंग
ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा। अगर थीटा एंगल पर इसको रखा जाए तो टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर घुमाओगे तो थीटा चेंज होता जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन शर्त क्या है कि बॉडी जहां से जहां तक डिस्प्लेस हुई है वहां से वहां तक फोर्स कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन अगर वही फोर्स बॉडी को रोटेट करना शुरू कर दे उसी फोर्स का नाम क्या हो जाता है, टॉर्क। तो जब हम बात करेंगे टॉर्क की तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, एंगुलर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त क्या है कि जितना भी एंगल से घूमे टाउ हमेशा फिक्स रहना चाहिए। लेकिन यहां क्या फिक्स रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो टाउ की वैल्यू चेंज होगी। तो हम ये फॉर्मूला फिलहाल नहीं लगा सकते। लेकिन अगर टाउ पी साइन थीटा है इसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं थीटा 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू कुछ 10-15-20 है, थोड़ी देर तक तो इतनी रहेगी ना। तो अगर मैं इसको डी थीटा एंगल से घुमाऊं वेरी स्मॉल तो तब तक टाउ सेम रहेगा। तो अगर हम इसको वेरी स्मॉल डिस्प्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं डी थीटा, ठीक है, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, थ्रू एंगल डी थीटा, तो डी थीटा का मतलब ही होता है स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये वर्क डी डब्ल्यू हो गया टाउ इंटू डी थीटा। समझ आया इस फॉर्मूले से क्यों लगाया जाता है, इस फॉर्मूले से लगाने का मतलब यही होता है कि डी थीटा तक टाउ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपका पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया डी डब्ल्यू। देखो जब आपने डी थीटा एंगल से घुमा दिया होगा तो टाउ की वैल्यू चेंज हो गई होगी, थोड़ी बहुत चेंज हुई होगी ना, फिर आगे डी थीटा तक वो कॉन्स्टेंट रहेगी, फिर चेंज होगी, फिर आगे कुछ एंगल तक कांस्टेंट रहेगी। इस प्रकार से हर एक टाउ पे डी थीटा से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको वर्क मिलता जाएगा। और अल्टीमेटली क्या कर दोगे, उसको सम कर दो, नहीं हम तो सबको अलग अलग निकाल रहे ना, सबको सम कर दोगे, ऐड कर दोगे। इस ऐड करने को ही मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, तो इसको इंटीग्रेट करो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल थीटा वन टू थीटा टू पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये रूप के लिए ना देखिए साइन थीटा, अब क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको समाकलन कहते हैं। तो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, याद करना पड़ेगा, मैथ वालों को भी याद करना पड़ेगा फिलहाल, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई और साइन थीटा का कॉस थीटा, और इसको आप ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहां पर लिमिट रख देंगे पहली थीटा वन से थीटा। ये हम मान के चल रहे हैं कि शुरुआत में जो डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा वन एंगल बना रहा था, ठीक है। अच्छा, लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले थीटा की जगह अपर लिमिट रख दो तो आएगा कॉस थीटा टू, माइनस फिर लोअर लिमिट रख दो कॉस थीटा वन, इस माइनस को अंदर ऑपरेट कर दो तो पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहां पर हम थीटा को अपने हिसाब से मान सकते हैं। अगर मान लो इफ मानो अगर थीटा वन जीरो है, यानी शुरुआत में डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है, और बाद में आके घूम गया, थीटा टू कितना हो गया है, थीटा हो गया,
तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीई वन माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल में ये भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला तो याद ही कर लीजिए, लेकिन ये आप फॉर्मूला में ये भी याद रखिएगा कि इनिशियली कितना एंगल बना रहा है और रोटेट करने के बाद कितना एंगल बना रहा है, ये भी आ सकता है। ठीक है, नोट करिए इसको। पहले इस हेडिंग का मतलब समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आप जहां कहीं इलाके में गए होंगे वहां आपको वर्क करना पड़ा होगा, वो वर्क आपकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया होगा और आने में उसको वर्क करना पड़ा होगा, वही वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, यही आपको निकालना है। ठीक है, जरा सावधान, हमने कहा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो प्रूफ करना अलग बात होती है, इसको विजुलाइज करना पड़ता है कि वर्किंग क्या हो रही है। फिजिक्स की दो प्रकार की डेफिनेशन होती है, एक फिजिकल होती है और एक मैथमेटिकल होती है, तो देखना ही पड़ता है कि यहां वर्क क्या हो रहा है, ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है। वो ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है, अलग चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसकी जो रेंज निर्धारित कर दी वो ये वाली है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल साहब है माइनस क्यू और प्लस क्यू और इनके बीच की दूरी है 2L और ये धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस बात से अनजान के भी रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, और जैसे ये भाई साहब यहां पर एंट्री मारे, पहले कौन अंदर गया, माइनस क्यू, अभी प्लस क्यू कहां है, तो माइनस क्यू चिल्ला के प्लस क्यू के दादा यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है दादा, अब प्लस क्यू पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, ये तो भाई साहब बार डरना नहीं, हम तो ऐसा चल अंदर, अंदर कौन जा रहा है, माइनस क्यू, अपना तो बाहर है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब किसको वर्क करना पड़ रहा है, माइनस क्यू वर्क करना पड़ रहा है ना, और ये पूरे अंदर आ गए, तो अचरा ध्यान से समझिएगा, जब पूरा का पूरा डाइपोल अंदर आ गया, ये माइनस क्यू आया और फिर प्लस क्यू आया, तब प्लस क्यू कहेगा यार बस यार सही बता रहे हो यार, बहुत ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सही का बता रहे हो, ऐसा मतलब बात आपस में कर रहे होंगे। तो माइनस क्यू पे फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ही होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग या अपोजिट, नहीं आपको मालूम है इसे अक्कड़ बकड़ लंबे बोल, अच्छा ले लॉन्ग नहीं तो अपोजिट हो गया, हाँ इसे बोले लॉन्ग होता तो आप इसे जो बता रहे हो हरकते कर रहे हो तो खुद करते हैं, ये बताइए लॉन्ग या अपोजिट, इस माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आप ले जाते हो तो फोर्स होता है क्यू इंटू ई, है ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी या अपोजिट होगी, आती है कि अपने आप बता रहे हो, आती है, आपने अपोजिट इनको सुनकर बताया कि आती है, अब अपोजिट हो गया, पहले रॉन्ग हुआ करता था, अभी समय बदल गया है, अभी अपोजिट होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग जोड़ डाला करिए, हम इसीलिए वहां पहुंचते हैं जहां पर उसकी जड़ होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट करता हूं, एक पॉजिटिव प्लेट है एक निगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होता है, निगेटिव चार्ज छोड़ो किधर जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से किधर जा रहा है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है। ठीक है, ये इसका काम खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको हर चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से सोचना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो इन भाई साहब पे फोर्स अपोजिट लग रहा था, है ना, जब ये कब लग रहा था, जब ये एंट्री कर रहे थे बिल्कुल, और जब बिल्कुल अंदर आ गए थे तो इनके ऊपर भी फोर्स लग रहा था क्यू ई। ठीक, अब देखो ना पूरे डाइपोल को एक साथ देखिए, इन भाई साहब पे क्यू ई इधर फोर्स लग रहा है, इन पे क्यू ई इधर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना है, कान दोनों खींचे जा रहे हैं लेकिन दोनों के कान की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, एक मिनट, तो अब इसमें दिक्कत किसको क्रिएट हुई है, निगेटिव को क्रिएट हुई है, भाई साहब ज्यादा एक्स्ट्रा किए ना, देखिए जब यहां पर आए थे पहले कौन अंदर आया, माइनस क्यू, अभी प्लस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा वो लगने लगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल होता है तो नेट फोर्स कितना होता है, तो वर्क डन कितना होता है, लेकिन जो माइनस एक्स्ट्रा चल चुका उसका क्या, वो तो वर्क स्टोर है, जब पूरा पूरा अंदर आएंगे और इनकी मम्मी पूछेंगी काहे कोई दिक्कत है, दिक्कत का मम्मी हम पहले अंदर आए, हमने भैया से कहा
कि बहुत दिक्कत है, चल जा बेटा अपना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने इनकी हेल्प कर दी। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क किया है 2L डिस्टेंस कवर करने में, ये वर्क डन हो गया। अरे यहां पर वर्क डन कितना हुआ है, फोर्स, किस पर फोर्स, फोर्स ऑन माइनस क्यू इंटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, किसके द्वारा, ट्रेवल्ड बाई माइनस, समझने वाली है, प्लस क्यों। जब दोनों अंदर आ गए तो दोनों तो चल रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि दोनों पे नेट फोर्स जीरो है, इसलिए ये इसको वर्क ऑप्टेन होता है, इसको वर्क करना पड़ता है, और नेट वर्क कितना हो जाता है, तो ये जितना ये कमाते हैं उतना कमा देते हैं। तो फोर्स कितना हो गया, क्यू इंटू ई, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी हो गई, टू एल। कुछ देख के लग रहा है आपको, टू क्यू एल एक साथ कर दो तो पी इंटू ई हो गया, तो यही वर्क है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी इंटू E. इसको आप डॉट प्रोडक्ट में P डॉट E लिख सकते हैं, समझ गए बात। तो यही बात की पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको कि हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट करके समझ आ रही बात। थ्योरी लिख लीजिएगा, जब मैं ये जो मैटर मैं इसमें देखता हूं तो मुझे अपने ऊपर इतना लगता है कि मैं दो जूते उतारू अपने मारू, ये गंदी राइटिंग है। लेकिन अब क्या करें, भगवान मिलेंगे तब उनको बताएंगे। जब आपको मास्टर बनाना था तो थोड़ा एक तो बाल दे देते थोड़े से, देखते ठीक है क्या मास्टर है, हाँ क्या स्टाइल, थोड़ा सा चलो ठीक है बाल चलेगा, थोड़ी राइटिंग अच्छी दे देते, राइटिंग तो गंदी, मुंह तो गंदा, बालो नहीं। कोई लड़का आता है एपी सर है, बात हमसे करा दी अंदर रहा, अरे हमका एपी सर ही है, इतने ही बड़े हैं, यहाँ से यहाँ देखे यहाँ खत्म हो गए, तुम कहाँ एपी सर। अब जैसे शुक्ला जी है, लगता है पर्सनैलिटी एक अलग चीज होती है, तो क्या है शुक्ला जी, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पापा की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब जरा समझिएगा सावधान, अब मैंने क्या किया, इधर देखिए, ये डायपोल साहब अंदर आए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आए, और यहां आने के बाद घूम गए, तो अगर घूम जाएंगे तो उनको वर्क करना पड़ेगा, यानी वर्क डन पहले एंट्री किया फिर घूमा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, थ्रू एंगल थीटा यू डब्लू थीटा मान लीजिए, ये हमने अभी हम प्रूफ करा चुके हैं, कितना होता है पी वन माइनस कॉस थीटा, पी वन माइनस कॉस थीटा, ये जो वर्क डन है ना इसमें जीरो एंगल की वैल्यू रखी हुआ रखा है, बॉडी जो डाइपोल है वो पैरेलल रखा हुआ है, यहां पर पैरेलल पे एनर्जी है, ठीक है। अब अगर टोटल वर्क डन निकालेंगे क्या होगा, इन दोनों वर्क को, भाई पहले डाइपोल इंफिनिटी में था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, उससे वर्क किया इतना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आके सोचा अरे घूमते हैं जरा, थोड़ा सा घूमा इलेक्ट्रिक फील्ड, और गुस्सा आया काहे घूम रहा, और वर्क किया इतना, टोटल कितना वर्क हुआ, तो निकाल दो टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W जीरो, मतलब जब पैरेलल इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, और प्लस उसके अंदर आकर के वो थीटा, ठीक है। तो ये कितना आया, PE प्लस PE वन माइनस cos थीटा, उल्टा हो गया क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, यहां पर माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा था ना, ये माइनस पे लग गया, तो आएगा माइनस पी कॉस थीटा, ये डब्ल्यू कहूंगा, यहां पी डॉट ई मत लिखिए, सॉरी गलती, यहां कॉस थीटा थोड़ी आया हुआ है, आपने पूछा नहीं, जब ए डॉट ए बी कॉस थीटा है नहीं तो आपने ए डॉट बी क्यों लिख दिया, अरे मास्टर लिख दिया कोई बात नहीं, कौन पूछे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U बराबर, तो U जीरो प्लस U थीटा, ये थीटा और जीरो इंडिकेट क्यों करने के लिए, आप ऐड भी कर सकते हो और इंडिकेट भी कर सकते हो, तो आएगा माइनस P cos थीटा, यानी माइनस P डॉट E,
अब थीटा बदलते रहोगे और इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। समझ में बात आ रही, मतलब समझ में, मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स समझा रहे, मतलब एक्चुअली उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या एक्शन हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्शन कर रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज होगी वो केवल आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सार इमेजरी लाइन्स, वो देखना है तो पिक्चरों में दिखाई पड़ जाएगी, वो जो बादलों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ जाएगी। अब जरा यहाँ कुछ स्पेशल केसेस लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ना, नोट कर लिया, जरा स्पेशल केस बहुत ध्यान से समझिएगा, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, एज यू बराबर क्या हमने बताया है, माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है, रुक जाइए पहले बात लिखिएगा। फर्स्ट केस, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर 0 डिग्री हो जाए तो यू कितना हो जाएगा, माइनस का पी, ठीक है। दूसरा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो यू कितना हो जाएगा, 0, इसको यू वन मान लो, इसको यू टू मान लो। तीसरा, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, तीन ही केस है, एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर, एक एंटी पैरेलल, तो यू कितना हो जाएगा, कॉस 180 का मान कितना होता है, माइनस वन, तो जाएगा प्लस का पी, ठीक है। तीनों पहले पॉइंट लिखिएगा, फिर एक बार बढ़िया से बतानी है नोट के लिए। अब जरा एक चीज बढ़िया से देखिएगा, इन भाई साहब के पास एनर्जी मिनिमम है, ये तो जीरो, ये काम खत्म, इनके पास एनर्जी, यानी यहां पर ये एनर्जी कितनी है, मिनिमम, इसके पास कितनी है, मैक्सिमम। जिसके पास मिनिमम एनर्जी होती है, नेचर का जो गुण है, जिसके पास एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, स्टेबल मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम जानते हो ना, मतलब उस पर कोई भी नेट फोर्स जीरो, मिनिमम एनर्जी। लेबर गया 400 रुपया, 300 रुपया पाया, अभी पहले कम पाता था, अब ज्यादा पाता है, 300 रुपया पाया, गया टेके पे, 70 रुपया का पाउच, एक बीड़ी का पाउच, वो मसाला, थोड़ी धनिया उनिया सब्जी, लो बनाओ, दाल बनाओ, और बढ़िया खाया, सो गया। सुबह उठा, जेब में हाथ डाले, देखा 150 रुपया है, आज नहीं जाएंगे, आज काम पे नहीं जाएंगे, अब वाइफ ने कहा जाना पड़ेगा, बोले जा रहे हैं, आया वहां से निकला कि 10 बजे, यहाँ पूछा 12 बजे, और घर लौट के गया, कहा भैया ऐसा क्या करे, गए तो थे वहां मार्केट में लेकिन काम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, 70 का फिर हुआ, फिर थोड़ी सब्जी आ गई थी, और आज 2 दिन चल गया, उससे कोई टेंशन नहीं है, अगर कहीं ससुराल में कार्यक्रम है तो वहां चला जाएगा, 2-4 दिन वहां रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत क्या, ज्यादा होगा तो साले के साथ जाकर के अपना खेत जोत के आएगा, क्या दिक्कत है, जी जा गए खेत जोत के, फिर खाना खा के सो। इन भाई साहब के पास तो ये आपका इक्विलिब्रियम कैसी होता है, इक्विलिब्रियम ये स्टेबल होता है ना, इनके पास बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी, यहां तक बैठे दिमाग लगा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास शेड्यूल कितने बजे करेंगे, ये वाला तो टाइम नहीं मिल पाया, 9 बजे 10 11 ज्यादा देर हो जाएगी, उतनी एनर्जी की बात नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब पता ना जरा सा खर्च, यार चोट नहीं आ गए, छत पे दौड़ गए, खूब पैसा है ना, तो अलमारी भरा हुआ है, तो ये बेचारे रहते तो ना शौक से, कोई दिक्कत चिंता नहीं इनको है, लेकिन इनको हमेशा डर बना रहता है, पता कोई चुरा ले जाए, तो इनका ऐसा होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बात नहीं है, यानी नेचर क्या करता है, आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन में क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट है कि जो नेचर होता है अपने को कम से कम सरफेस में घेरने की कोशिश करता है, जैसे एनर्जी उसकी मिनिमम हो जाए, ठीक, इसको नोट करिए।